अरे एक सेकंड यार, ये वाला घर किसका है? ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही लग्जरी घर है यार, ये तो बहुत ज्यादा महंगा घर लग रहा है। ये देखो यार, इसमें तो स्विमिंग पूल भी है और ऊपर छत भी है। अरे भाई साहब, बहुत ज्यादा तगड़ा घर लग रहा है। लेकिन ये है किसका? ओए कौन इसका मालिक है? बारह बारह, जल्दी टाइम से पहले जल्दी आओ। अबे कौन है तू और यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे यार, ये वाला घर तुम्हारा है क्या? हाँ हाँ, ये घर मेरा है, बता तू क्या करेगा? अरे मुझे ये वाला घर खरीदने का है, बताओ कितने में दोगे? अबे साले, तेरी औकात नहीं है ये घर खरीदने की, ये पूरे 2 करोड़ का घर है। क्या कहा, 2 करोड़ का? अबे क्या सोने का संडास है इसमें? अरे चल चल निकल यहाँ से, तेरी औकात नहीं है ये घर खरीदने की, समझा? अरे बेटा, अगर ऐसी बात है ना तो देख, आज शाम तक ये घर मैं खरीद के रहूंगा, देख लेना तू, अभी शाम को ही आऊंगा ये घर खरीदने। हाँ हाँ चल निकल निकल, बड़ी बड़ी बातें मत मार, निकल यहाँ से। अरे यार, इसके सामने चौड़ में कह तो दिया कि आज शाम तक ये घर खरीद लूंगा, लेकिन यार मैं खरीदूंगा कैसे? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या करूं क्या करूं यार। अरे हाँ, एक आइडिया आया। अरे भाई, ये तो बहुत खतरनाक आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, अब देखो मैं क्या करता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ए चीचा, क्या हाल चाल है? अरे बढ़िया भैया, बढ़िया, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो भैया, क्या हाल है? अरे बढ़िया है यार, ये देखो, ये जो मेरी KTM बाइक है ना, ये जादुई बाइक है, जादुई। अरे क्या बात कर रहे हो यार, जादुई बाइक है? अबे ऐसा भी क्या जादू है इसमें? अरे ये KTM बाइक रात में हवा में उड़ जाती है। क्या बात कर रहे हो यार, रात में हवा में उड़ जाती है? अरे भाई साहब, तो यार ये मुझे दे दे एक रात के लिए, अगर ये आज रात हवा में उड़ गई तो मैं इसको खरीद लूंगा। अरे नहीं नहीं यार, अगर तुम अभी इस बाइक को नहीं खरीदोगे तो मैं इसको किसी और को बेच दूंगा यार, बहुत ज्यादा कस्टमर की लाइन लगी पड़ी है, जल्दी बताओ। अरे यार चल ठीक है यार, अगर ये बाइक सच में हवा में उड़ती है तो भाई मैं इसको जरूर खरीदूंगा, बता कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 लाख की है, जल्दी से दे दो अब। 1 मिनट लेटर। ये देखो गाइस, मैंने इसको 1.5 लाख में ये KTM में चिपका दी है, उसको लग रहा है ये KTM में जादू है, साला पगला कहीं का। अब तुम लोग कहोगे तू तो पागल है, तूने अपनी KTM भी बेच दी और अब तू घर भी नहीं खरीद पाएगा। अरे अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, आगे आगे देखते रहो बस। तो अभी मैं आ चुका हूँ एक बहुत बड़े नहीं बल्कि छोटे से लैम्बोर्गिनी के शोरूम पे, और यहाँ पे अरे यार इन्ने बड़ा बेइज्जती कराइए। तो देखो गाइस, ये जो लैम्बोर्गिनी का शोरूम है ना, इस लैम्बोर्गिनी के शोरूम पे पुरानी लैम्बोर्गिनी और चोरी की लैम्बोर्गिनी बिकती है। ये देखो जितनी भी लैम्बोर्गिनी है, सारी लैम्बोर्गिनी टूटी हुई है, इनमें से कुछ का शीशा टूटा हुआ है, कुछ का इंजन खराब है, कुछ ना कुछ खराबी है इनमें। और अब देखो मेरे पास है पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए, और अब मैं इन 1.5 लाख रुपए से इस शोरूम वाले से एक गोल्डन लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा। हाँ भैया, गोल्डन लैम्बोर्गिनी। तुम लोग कहोगे क्या फालतू की बातें कर रहा है यार, अरे तुम बस देखते रहो कैसे खरीदता हूँ भैया, ये है एक बिजनेस मैन वाला दिमाग, देखो बस। A few minutes later. तो ओके गाइस, अभी मैंने पूरे 1.5 लाख रुपए में इस शोरूम वाले से एक गोल्डन लैम्बोर्गिनी खरीद ली है, दिखाता हूँ तुम्हें कैसी है। ये देखो गाइस, ये है वो गोल्डन लैम्बोर्गिनी जो कि मैंने इस शोरूम वाले से पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए में खरीदी है। ये देखो पूरी के पूरी लैम्बोर्गिनी गोल्डन की है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लैम्बोर्गिनी पे मैंने गोल्ड का पानी चढ़वा दिया है और भैया देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पूरी की पूरी गोल्ड की है। और अब इस लैम्बोर्गिनी को मैं गोल्ड का बता के इसको बहुत ज्यादा महंगा बेचूंगा और लोगों का चूतिया काटूंगा। लेकिन यार मैं किसको बेचूं ये लैम्बोर्गिनी जो हंसते हंसते इस लैम्बोर्गिनी को खरीद ले? अरे हाँ, ये काम करता हूँ, इस शहर की सबसे अमीर आदमी की बेटी को बेचता हूँ, उसको थोड़ा बहलाऊंगा फुसलाऊंगा तो वो इजिली खरीद लेगी, देखना भैया कितनी बड़ी पागल है वो। 5 मिनट्स लेटर। तो ये है इस शहर की सबसे अमीर आदमी की लड़की, अभी देखो इसको कैसे मैं पागल बनाता हूँ, देखते रहो तुम बस। हेलो मैडम जी, यार तुम इतनी अमीर हो लेकिन तुम्हारे पास एक चीज तो है ही नहीं और वो मेरे पास है, बताओ यार, बहुत ज्यादा गलत बात है ये। ऐसा भी क्या है तेरे पास जो मेरे पास नहीं है? हाँ जल्दी बता, सब कुछ खरीद सकती हूँ मैं। अरे तुम्हारे पास गोल्डन लैम्बोर्गिनी नहीं है, तुम इतनी अमीर हो तब भी, और मैं फर्टीचर हूँ तो मेरे पास गोल्डन लैम्बोर्गिनी है, बताओ यार। अच्छी चीज, मुंह फाड़ दूंगी, मुझे वो गोल्डन लैम्बोर्गिनी दे दे, समझा? दे 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 दे, वरना अपने पापा से कह के तुझे इस दुनिया से ही गायब करवा दूंगी। अरे अरे मैडम प्लीज यार, ऐसा मत करना यार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तुम एक काम करो, तुम ये लैम्बोर्गिनी खरीद लो। हाँ हाँ चल खरीद लूंगी, बता कितने की देगा तू? अरे ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 करोड़ की है। ओफो, सिर्फ 5 करोड़ की? अरे यार मैं तो 10 करोड़ से नीचे की कोई चीज लेती ही नहीं हूँ, तुझे इसके पूरे 10 करोड़ रुपए लेने पड़ेंगे, ठीक है ना? ये ले 10 करोड़ रुपए और अब जा यहाँ से। 1 मिनट लेटर। अरे वाह भैया, मजा आ गया, मैंने कहा था ना ये लड़की जितनी अमीर है ना उतनी बड़ी पागल है, इसको थोड़ा सा बहलाऊंगा फुसलाऊंगा तो ये इजीली खरीद लेगी लैम्बोर्गिनी, और ये इतनी बड़ी पागल है इसने 5 करोड़ की जगह पूरे 10 करोड़ में खरीदी है, अभी मेरे पास ये पूरे 10 करोड़ रुपए हो चुके हैं, इसे कहते हैं बिजनेसमैन।
अब देखो थोड़े से पैसों के खरीदूंगा फॉर्च्यूनर और फिर खरीदूंगा घर, तो फटाफट से चलते हैं। A few moments later. तो अभी मैं आ चुका हूँ फॉर्च्यूनर के शोरूम पे और ये देखो यहाँ पे एक व्हाइट फॉर्च्यूनर है और दो ब्लैक फॉर्च्यूनर है। तो मैं एक काम करता हूँ ब्लैक वाली खरीद लेता हूँ, क्योंकि यार ब्लैक वाली में मैं बदमाश लगूंगा तो कोई मुझसे फालतू बोलेगा भी नहीं, और मेरे शकल भी ब्लैक है तो यही खरीदते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैंने पूरे का पूरे 1 करोड़ रुपए में ये ब्लैक वाली फॉर्च्यूनर खरीद ली है। अब तुम लोग कहोगे ए तेरा पागल बना दिया, तेरा पागल बना दिया शोरूम वाले ने, क्योंकि ये फॉर्च्यूनर मिलती है सिर्फ 50 लाख की। अरे यार मुझे पता है 50 लाख की मिलती है, लेकिन मैंने इसमें मॉडिफिकेशन भी तो कराई है। इसके जो सीसी है वो मैंने कराए हैं बुलेट प्रूफ, इसके पहिया भी बुलेट प्रूफ कराए, क्योंकि यार अगर उस लड़की को पता चल गया कि वो लैम्बोर्गिनी गोल्ड की नहीं है, उस पे सिर्फ पानी चढ़ा हुआ है, तो भैया वो तो मेरे घर पे आ जाएगी डंडा लेके। तो यार बचने के लिए एक खतरनाक सी गाड़ी चाहिए ना। सही बात है, बस इसीलिए मैंने इसको फुल मॉडिफाई करा लिया, भैया पैसा की कमी थोड़ी है अब। और अभी मैं उसी वाले घर पे आ चुका हूँ जो मुझे खरीदना था। आहा ये देखो यही है वो घर। तो कहाँ गया इस घर का मालिक? बाहर आ, मैंने कहा था ना मैं ये घर खरीद लूंगा आज रात होने से पहले, जल्दी बाहर आ अब। ए तू फिर आ गया, तुझसे मना किया था ना ये घर तेरी औकात से बाहर है, फिर भी तू आ गया। अबे चल चल फालतू की बातें मत कर, तूने क्या कहा था ये घर तू पूरे के पूरे 1 करोड़ में देगा? अबे ये ले पूरे 3-4 करोड़ रुपए और निकल यहाँ से अब। अरे भैया पूरे 3-4 करोड़ रुपए दे रहे हो इस घर के? अरे भैया तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लाओ 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 भैया, कोई काम हो तो मुझे बता देना भैया। देखो यार हाँ चल अब जा यहाँ से। ये देखो गाइस ऐसे कहते हैं बिजनेस मैन वाला दिमाग, मैंने देखो किस तरीके से इस घर को अपना बना लिया, क्या दिमाग यार मेरे अंदर, मैं तो पापा हूँ पापा, इस दुनिया का पापा, पूरे घर पे मेरा ही कब्जा भैया, फ्री फैंड में गाड़ी भी मिल गई, पैसे भी मिल गए और घर भी मिल गया। अरे एक सेकंड यार, ये पुलिस वाला मेरे घर पे क्यों आ रहा है? अबे ओए पुलिस वाला तू पागल हो गया क्या, कहाँ पे घुसा चला आ रहा है? ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, कौन है तू? अबे साले तूने इस शहर की सबसे बड़ी लड़की को एक पानी वाली लैम्बोर्गिनी चिपका दी है। साले तू तो कह रहा था गोल्ड की है, लेकिन उसपे तो पानी का गोल्ड चढ़ा हुआ था है। अब तेरी आ गई, अब तू देख बेटे अब तू गया। अरे इसका मतलब इन सबको सच पता चल गया, अब मैं मर जाऊंगा। अरे भागो यहाँ से। अरे यार प्लीज मुझे जान दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था। अरे भाई ने तो मुझे मार दिया।